नमस्कार बाबा राष्ट्रीय न्यूज में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ रेखा यादव। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बेरमो से राजेश चौधरी की रिपोर्ट। गंगा स्वच्छता पखवाड़ा के तहत फुसरो दामोदर घाट पर चला स्वच्छता अभियान। छात्र छात्राओं ने शहर में निकाली प्रभात फेरियां। स्थानीय पदाधिकारी नगरवासियों ने नदियों को स्वच्छ रखने का लिया शपथ। बोकारो उपायुक्त श्री कुलदीप चौधरी के निर्देशानुसार नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत जिले में गंगा दामोदर स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में नगर परिषद फुसरो क्षेत्र दामोदर नदी घाट में स्वच्छता अभियान चलाया गया है। स्वच्छता अभियान में फुसरो नगर परिषद अध्यक्ष फुसरो नगर परिषद श्री राकेश कुमार सिंह, उपाध्यक्ष छेदी नौनिया, स्थानीय वार्ड पार्षद, नवकर्मी, प्रखंड सह अंचल कार्यालय कर्मी, विभिन्न विद्यालयों की छात्र छात्राएं शामिल हुए। अध्यक्ष फुसरो नगर परिषद श्री राकेश कुमार सिंह ने उपस्थित सभी को नदियों की स्वच्छता को लेकर श्रमदान करने, इन्हें स्वच्छ रखने के लिए स्वयं प्रयास करने तथा दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करने की शपथ दिलाई। इसके पूर्व विद्यालय के छात्र छात्राओं ने शहर में प्रभात फेरी निकाली। बैनर, पोस्टर एवं स्लोगन के माध्यम से जिले में नदियों के महत्व एवं स्वच्छता का संदेश दिया। उल्लेखनीय है कि 16 मार्च से 30 मार्च तक जिले में गंगा दामोदर स्वच्छता पखवाड़ा दिवस मनाया जा रहा है। इस विचार अभी अध्यक्ष महोदय ने बताया कि नगर को स्वच्छ रखने के लिए पहले अपने स्वच्छ होना होगा, और मैं भी चाहता हूं कि जो हमारे घर के लोग हैं अपने अपने घर को अगर स्वच्छ रखते हैं, ठीक उसी प्रकार हम अपने मोहल्ला को स्वच्छ रखेंगे तभी जाकर हमारा नगर स्वच्छ रहेगा पा सकेंगे। और जैसा कि हमारा आप देख सकते हैं कि दामोदर जो प्रदूषित था, आज बहुत हद तक इसमें हम लोग नियंत्रण पाए हैं। चूंकि जो एसपॉन्ड से छाई दामोदर में बहाया जाता था उसमें बहुत हद तक रोकथाम लगा है, और मैं तो अनुरोध करूंगा अपने नगर परिषद की जनता से कि आप स्वयं से सफाई को लेकर के आप सजग रहें। और भी लगातार खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें। हमारे आने वाली न्यूज की नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले मिले।